तो गाड़ी दादर स्टेशन रेलवे स्टेशन ये देखिए। तो गाइज हम लोग आज मुंबा देवी जा रहे हैं। मुंबा देवी जाने के बाद आप लोग को पूरा वीडियो दिखाएंगे। मैं सुना हूँ कि वहाँ के माता बहुत प्रसिद्ध है, उनका भी दर्शन करना चाहते हैं हम लोग, तो सोच रहे हैं कि चलेंगे आज दर्शन करके आएंगे वहाँ का। तो वीडियो में बने रहेंगे, एंड तक बने रहे। लाइन बहुत लंबा रहेगा, लाइन बहुत रहेगा। कितना तभी कितना समय लगेगा पहुँचाने में वहाँ को? कौन सा एरिया है? मरीन लाइन्स ना, मेट्रो थिएटर, सिनेमा। तो गाइस ये यहाँ पे जो ये एरिया है मरीन लाइन है और मेट्रो थिएटर है, इसको बोला जाता है ये एरिया को। देख लीजिए, इधर से होते हुए जाना पड़ता है। ये हमारे काका हैं, उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ जो हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो गाइस ये मुंबई की नगरी है, आप लोग भी देख लीजिए। गाइज ये देखिए, ये सामने वाला, ये गाइज ये देखिए, सबसे बड़ा ग्राफर मार्केट है ये, इसको बोला जाता है मुंबई का। लोग भी देख लीजिए, इधर से आना पड़ता है। कौन सा मार्केट है? कटलेरी मार्केट, यानी खिलौना, बैग, ये सब नोटबुक यहाँ पे मिलता है। ये सब आज कल जो लेडीज पर्स रहता है वो सब यहाँ मिलता है होलसेल में। तो होलसेल मार्केट है, खिलौना का, बच्चे लोग यहाँ पे ना, खिलौना का दुकान। ये एरिया कौन है, वही है कि अलग? ये अब्दुल्ला मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद। गाइस ये यहाँ पे अगर होलसेल में माल लेना है तो यहाँ पर आ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे होलसेल माल मिलता है सब। इधर मिलता है ना, दर्जन 12 पीस जाएगा, उनको सस्ते में गिरेगा और दुकान में जाकर डालना पाई। तो मुंबा देवी के बारे में बताऊंगा मैं। ये देखिए ये एरिया बहुत सुंदर है, ये देखिए, ये देखिए। आप लोग इस मार्केट में आ सकते हैं गाइस, बहुत सुंदर मार्केट है। ये देवी का स्थान है मुंबा देवी। विकी चलो यहाँ से ले सकते हैं कंगन, देखो लेडीज कंगन, क्योंकि लड़कियाँ बहुत शौकीन होती हैं, औरतें भी शौकीन होती हैं सामान वगैरह लेने के लिए, अपने शॉपिंग श्रृंगार के लिए। ये देखें
यहाँ पे होलसेल का माल मिलता है बहुत सस्ते के दाम में। आप लग ये उन आके ले सकते हैं। गाइस ये देखिए मुंबा देवी का लाइन देखिए, यहाँ से और उधर से चल रहे उधर से चल रहे पूरा अंदर तक है पूरा। ये एक्चुअली मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो आप लोग को दिखा नहीं सकता, लेकिन मुंबा देवी का मैं सुना हूँ बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। आप लोग आइए यहाँ पे दर्शन करने, तो आप लोग को मैं दिखाऊँगा तभी फिर आऊँगा मैं यहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि बहुत गर्दी है, दूर से ही पैर पर पड़ के हम लोग जाने वाले हैं और इस मार्केट में आ सकते हैं। भाई आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से बहुत गर्दी है। देखिए यहाँ से तो मैं दिखाया था आप लोग को, तो गाइस देख लीजिए आप लोग यहाँ से, देखिए आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं ये सब लॉक लगाया है इधर से, पूरा लॉक है इधर से, मतलब पर्दे से घेर दिया गया है। यहाँ से शायद दिख रहा होगा नहीं तो वो भी नहीं, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कभी तब भी। देखिए गाइस श्री मुंबा देवी मंदिर विश्वरत निधि ऐसे लिखा है, ये एरिया देख लीजिए यहाँ का एरिया। गाइस तो वहाँ से आज तो आज सोच रहा हूँ ये खाएं, खाएगा ये 30 रुपये हाँ खाएगा, लेते हैं कि जूस पिएगा। हाँ बोला मैडम कैसे है अखरोट? ओ मैडम अखरोट कैसे? अखरोट 250 रुपये पाव। 250 रुपये पाव। और वो खजूर 500 रुपये किलो। ये 280 रुपये किलो। बोलो क्या हुआ मैडम? ये सब मुंबा देवी में गाइस देखने को मिलेगा आपको, बहुत सस्ता माल मिलता है। गाइज मुंबई में मानिस मार्केट नाम से एक मार्केट है जहाँ पे माल वगैरह सस्ता मिलता है, बिल्कुल कोई भी चीज़ होलसेल में मिलता है बहुत सस्ता। वहाँ से हम लोग जाएंगे सामान खरीदेंगे, थोड़ा परचेज़ करना है मुझे दो तीन सामान, तो फिर आप लोग को दिखाते हैं क्या सामान हमने लिया है। तो वीडियो में बने रहे, एंड तक बने रहे। तो गाइज दर्शन तो नहीं मिल सका, अगर आप लोग को आना है तो आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत गर्दी है। ये मुंबा देवी ये पड़ता है, बता रहा हूँ मुंबा देवी मुंबई में चर्च गेट से आप लोग को मरीन लाइन होते हुए आना पड़ेगा मुंबा देवी के लिए, वहाँ से 40 रुपये लगेंगे टैक्सी का। और आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग को पूरी डिटेल दे दूँगा मैं वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए,
आप देवी माता के लिए तो आप लोग इतना ही कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया हूँ गाइस, तो इतना जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।